अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी नायला मोहसिन। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा फेस का मेकअप ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगी। बेस बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा वो आप वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर मैं कॉस्मोस में फटाफट बेस बना रही हूँ। जी तो यहाँ पर हमारी बेस बन चुकी है। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मॉर्फिक्स की आईब्रो फिलर पेंसिल। ये इस तरह की होती है, इसके एक साइड पर कलर पेंसिल दी होती है ब्राउन शेड में, और दूसरी साइड पर इसके स्पूली दी होती है अपने हेयर्स को कॉम करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम कर लेती हूँ। आईब्रोज़ को हमेशा ऊपर की तरफ कॉम करके ड्रा किया करें। ठीक है, आईब्रोज़ को अच्छे तरीके से कॉम करने के बाद मैं सेम उसी ही मॉर्फिक्स की पेंसिल के पेन वाली साइड पर जहाँ पर कलर दिया होता है उसके साथ मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लेती हूँ। ये देखें, हल्की हल्की पहले मैं छोटे छोटे लाइंस बनाऊंगी दोनों साइड पे, ऊपर वाले और नीचे वाली दोनों साइड पे, जो मैंने शेप क्रिएट करनी है छोटे छोटे लाइंस लगा के, तो मैं अच्छे से बाद में उनको फिलअप कर लूँगी। आईब्रोज बनाते हुए आपने अपनी शेप का प्रॉपरली ध्यान रखना है, अच्छे से आपने इनको फिल करना है। ज़रा भी अपनी शेप ख़राब नहीं करनी, वरना आपकी फेस की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं छोटा शीशा देखकर तो अपने आईब्रो को अच्छे से फिलअप कर रही हूँ। सेंटर वाला पार्ट जो आपके आईब्रो का है उसको हमेशा थोड़ा सा डार्क रखिए और फ्रंट से थोड़ी सी लाइट रखिए, तो शेप बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, आईब्रो एक वाली साइड पे मैंने फिल कर लिया है, दोनों साइडों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, बिल्कुल भी अलग सा नहीं लग रहा कि मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ लगाई है। देखें तो मैं इसके अंदर वाली साइड को भी अच्छे से फिलअप कर लेती हूँ। तो ये मेरी एक आईब्रो कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से मैं दूसरी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। पहले मैंने ऊपर से हल्की हल्की छोटी छोटी लाइनें लगाई, फिर नीचे वाली लाइनें लगाई और बाद में उनको अंदर से फिलअप अच्छे से कर दिया। इस तरीके से आप अपनी आईब्रो की शेप को जितना मर्जी मोटा और पतला भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ही रखें जो आपकी शेप है, तो वो ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत मोटे भी कईयों के फेस पे अच्छे नहीं लगते और बहुत बारीक भी अच्छे नहीं लगते, तो जो शेप है आप उसी पे रहें, उसको थोड़ा सा ज़रा मोटा कर लें, वो ज़्यादा सूट करेगी फेस के ऊपर। तो ये मेरे दोनों आईब्रो फिल हो चुके हैं, देखिए एक जैसे ही दोनों मैंने बना लिए हैं, इनको अच्छे से फिलअप कर लिया एक ही शेप में रखें। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए मेरी दोनों डार्क सर्कल भी अच्छे से हाइड हो चुके हैं और ये बेस जो है आहिस्ता आहिस्ता से ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गई है। थोड़ा ही हाथ में और फेस में फ़र्क रह गया है। उसके बाद हम अपना आईज मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हाईलाइटर ले गया, आई डोंट नो ये किस ब्रांड का था, मुझे भूल गया क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, तो मुझे इसका नाम थोड़ा सा भूल गया है। तो ये देख लीजिएगा, ये इसके मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी इनकी पिगमेंटेशन है। क्रीम थोड़ी सी क्रीम फॉर्म में होती है। ये देखिए इनके मैंने स्वेचेस आपको मैं अपने हाथ पर भी लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं अपनी फ़िलहाल तो
आईब्रो पे के पास लगा रही हूँ, ब्रो बोन के ऊपर जो मैंने अपने आईब्रो को शेप दिया उनको डिफाइन करने के लिए। उसके बाद मैं आपको इनके स्वेचेस अपने हाथ पे दिखा देती हूँ। ये दो शेड में था, एक डार्क और एक लाइट में, तो ये लाइट वाले का है स्वेच और ये थोड़ा सा डार्क, और इनकी शाइन देखा कितनी कमाल की और मज़े की शाइन है। और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, इनके बहुत छोटे छोटे फ्रिजल्स है, ज़रा भी महसूस नहीं होता कि कोई चीज़ आपके मतलब वेट लेस है पूरा। ठीक है, हल्का हल्का मैंने अपने ब्राउ बोन के ऊपर लगाने के बाद यही सेम हाइलाइटर जो है मैं अपनी आंखों के पास लगा लूँगी। उसके बाद मैंने ये टीवी पॉलर की आई शेड पैलेट ली है। इस शेड का मैं रिव्यू पहले दे चुकी हैं, अगर आपने देखना हो तो मेरे चैनल में जाके तो आप इस आई शेड का रिव्यू चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी कमाल की आई शेड पैलेट है ये। ठीक है, इस आई शेड मैंने आई शेड में से मैंने पहले तो एक ब्रश लिया, इस तरीके का फ्लफी ब्रश लिया, जिसके फ्रिजल्स देखे कितने अच्छे हैं। आई डोंट नो किस ब्रांड का ये, लेकिन इसके फ्रिजल्स बहुत कमाल के, बहुत आउट क्लास है। ठीक है, तो इस आई शेड पैलेट में से मैंने सबसे पहले इसकी सबसे लाइट शेड ली, ये वाली। ठीक है, वो मैंने हल्की सी उठाई, एक्स्ट्रा जितना था वो डस्ट ऑफ कर दिया, और फिर अपनी क्रीज लाइन जो कि हमारी आंखों की क्रीज लाइन है उसको डिफाइन करने के लिए मैंने पहले वहाँ पे हल्का हल्का ये कलर अप्लाई किया। थोड़ा थोड़ा लेके आप करें, बहुत ज़्यादा कलर जो है वो बाद में ब्लेंड अच्छे से नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा लेके अपने क्रीज लाइन में दोनों साइडों पे, दूसरी आँख पे भी लगा रही हूँ। दोनों आँखों पे मैं पहले अपनी क्रीज लाइन सेट करूँगी कि मुझे पता चल जाए कि मैंने इस एरिया में रह के अपना मेकअप करना है। ठीक है, तो मैंने पहले हल्का हल्का दोनों आईज पर अपनी क्रीज लाइन डिफाइन कर ली है। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, शायद दूर से इतना नज़र नहीं आ रहा था। तो ये क्रीज लाइन होती है, यहाँ पे हमने रख के तो अपना ब्रश चलाना है हल्के हाथ से, थोड़ा थोड़ा अपने अपना लेके आई शेड। ये मैं अपनी क्रीज लाइन बना चुकी हूँ यहाँ पे, बस अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ। उसके बाद तो उस सेम आई शेड पैलेट में से मैंने उससे थोड़ा सा डार्क कलर लिया, ये वाला, वो कलर लेके उसमें से बाकी जो है वो डस्ट आउट करके, तो वो ही मैंने अपनी उसी जगह पे लगा के क्रीज लाइन के पास ही, ताकि वो और अच्छे से नीट हो जाए, प्रोमिनेंट होके नज़र आए। उसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया, देखें आपको नज़र आ रहा है ना, देखें। कैमरे के सामने बैठ के मेकअप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि छोटा शीशा होता है, कैमरे में भी पूरा फोकस होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा सा मेकअप आपके करके दिखाऊं। फिर उसके बाद मैंने सेम हाई टीवी पॉलर की आई शेड पैलेट में से सबसे डार्क कलर लिया, ब्राउन शेड का ही, और उसी से मैंने अपना वी शेप, आउटर वी शेप जो होती है उसको मैंने डिफाइन करने के लिए वहाँ पे शेड अप्लाई किया और वी शेड बना दिया। सेम इसी तरह दूसरी आंख पर भी मैंने वी शेप बना दी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ये देखें, यहाँ पे मैंने वी शेप क्रिएट किया दोनों साइडों पर। देन उसके बाद मैंने दूसरी पैलेट, आई शेड पैलेट ली, ये छोटा सा ब्रश लिया, उसके साथ सेम जो मैंने ऊपर अपने क्रीज लाइन में लगाया था वही कलर मैंने अब उठाया इस ब्रश के साथ और अपनी लोअर लैश पे लगा दिया।
सेम इसी तरह ही मैंने दूसरी आँख की लोअर लैश पर भी वैसे ही सेम वही शेड लेके, तो मैंने नीचे वाली साइड भी अच्छे से लगा के उसको थोड़ा सा बाद में डार्क शेड के साथ लेके ब्लेंड कर दिया मैंने अच्छे से। और इसी को मैंने सेम आउटर वी के साथ मिला दिया। उसके बाद मैंने मॉर्फिक्स की जैकलिन हिल जो आई शेड पैलेट है वो लेकर, इसका मैंने रिव्यू अब मैंने पहले कर दिया, अब अगर आपने वीडियो देखनी है तो वो भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो जैकलिन हिल की मैं मॉर्फिक्स की ये जो मैंने जैकलिन हिल आई शेड पैलेट ली उसका मैंने ये गोल्डन सा लाइट सा येलो सी टोन में, ये देखिए इसका स्वैच, ये शेड अपनी फिंगर टिप पे ले और अपने आईज का जो आईबॉल एरिया है उसको मैंने अच्छे से इसके साथ कवर कर दिया, वहाँ पे इस आईबॉल एरिया पे मैंने इस आई शेड को अप्लाई कर दिया अच्छे से, ये देखें। दोबारा मैंने थोड़ा सा शेड उठाया और अच्छे से उसको आउटर वी के साथ मिला दिया, जहाँ पे मैंने ब्राउन शेड अप्लाई की थी वहाँ पर ही मैंने ये गोल्डन से जो शेड है उसको मैंने अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करके दूसरी आंख पर भी उसके साथ मिला दिया और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया ताकि इसमें दोनों में कोई लाइन ना रहे, दोनों ब्लेंड ही कलर दिखें। तो ये दोनों आई शेड पर मैंने सेम ही आई शेड अप्लाई कर ली। ब्राउन के साथ गोल्डन बहुत ही मज़े का कलर नज़र आ रहा है। फिर मैंने ये छोटा ब्रश लिया और उसके साथ सेम जो मैंने गोल्डन शेड ली थी वो मैंने लोअर लैश के नीचे हल्का हल्का लगा के तो उसको ब्लेंड कर दिया, ये देखें। दोनों आइज का एक जैसा मेकअप करने के बाद मैंने अपने जो मेरा ब्रो बोन का ऊपर वाली साइड जो थी थोड़ी सी छुप गई थी तो उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने दोबारा से थोड़ा सा हाईलाइटर लिया और उसको अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे ताकि वो भी अलग-अलग से नज़र आए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जी मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद लिया अपना लाइनर मार्कर लाइनर जो कि ये जी है 36H, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था लेकिन बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत कमाल का। ये देखें इसकी लाइन, ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। बहुत अच्छे से हम इससे हाथ चला सकते हैं, एक पेंसिल की तरह ले और इसको अच्छे से ड्रॉ कर ले। तो यहाँ से मैंने अपनी आईज़ के ऊपर से स्टार्ट किया इसका लाइनर लगाना अंदर वाली साइड से और ये मैंने एक पतली सी लाइन, क्योंकि मेरी हुडन आईज़ हैं अंदर की तरफ ज़्यादा हुई हैं इसलिए मैंने बहुत मोटा लाइनर नहीं लगाया, बारीक ही लाइनर लगाऊंगी और साइड वाले आउटर वी वाली साइड से थोड़ा सा मोटा कर दूँगी। तो ये यहाँ से मैंने थोड़ा सा अपना लाइन को बाहर निकाला, आईज से थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रॉ किया और फिर इसको ऊपर वाले आईब्रो की तरफ मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। फिर जो मैंने ऊपर वाली ये देखें एक अच्छा सा मैंने ऊपर की तरफ विंग बना लिया है, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन को मैं नीचे वाली लाइन के साथ मिला दूँगी, ये देखिए। तो ये हमारे पास एक विंग लाइनर बन गया, तो इसके अंदर बाद में मैं अच्छे से इनकी फिलिंग कर दूंगी, ये देखें। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा प्यारा सा विंग आईलाइनर रेडी हो गया।
ये देखें, अब इसी तरह का सेम आईलाइनर मैं दूसरी साइड पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मेरा दोनों साइडों का आईलाइनर लग चुका है। कैमरे के सामने थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने बैक कैमरा मैंने अच्छे से जल्दी जल्दी से लाइनर अप्लाई कर लिया। कि उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये, आई डोंट नो क्या नाम था इसका। तो ये मस्कारा है मेरा, जो कि बहुत ज़बरदस्त मस्कारा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका नाम भी आपके साथ शो कर दूँगी। वैसे मैंने दिखा दिया है आपको, मैंने ये वाला मस्कारा यूज़ किया है। इस ये मैं आपको अंदर से शो करवाती हूँ। बहुत कमाल का इसका ब्रश है, मेरा ये मोस्ट फेवरेट मस्कारा है। ये देखिए इसके ब्रशेस बहुत कमाल का, इसका ब्रश बहुत कमाल का है। अपनी आपकी लैशेस को इतना वॉल्यूम देती है। मेरी ऑलरेडी बहुत बड़ी लैशेज़ हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ बहुत मज़े की लुक आती है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देता है इसका सिंगल कोड ही, ये देखिएगा। ये जो है मस्कारा लगाते हुए बड़ा ध्यान कीजिए, सॉरी ध्यान करें, क्योंकि अगर ये आंखों में चला जाए ना एक बार, तो आपके पूरे मेकअप की ऐसी की तैसी कर देता है। ये देखें मैंने सिंगल कोड अप्लाई किया और इसने कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम दे दिया मेरी आईज़ को, सॉरी लैशेस को। तो इस सेम इसी तरह मैंने इनकी जो एप्लीकेशन है वो लोअर लैश पर भी कर दिया। ये देखिए जी, दोनों आँखों में आप डिफरेंस देख लें। सिंगल कोड से ही इसने कितना वॉल्यूम दे दिया। मेरी लैशेस बड़ी हैं, तो इसलिए मैं फेक लैशेस इन पर बहुत कम अप्लाई करती हूँ, क्योंकि वो दोनों आपस में अच्छे से मैच नहीं हो करती, वो थोड़ी सी लुक अच्छी नहीं आती है। और इस मस्कारे के साथ ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि आप फेक लैशेस लगाएं। ये देखिए मैं आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ सिंगल कोड के साथ ही, इसने कितना वॉल्यूम दे दिया मेरी लैशेस को और कितने खूबसूरत कर दिए हैं। सेम इसी तरह मैं लो लैशेस पे भी इसको अप्लाई कर लूँगी। अब मेरे कैमरे का इतना कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको सिखाने की, तो उस पर थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, सीखने की कोशिश ही कीजिएगा। ये देखें कितना ज़्यादा वॉल्यूम मेरी लैशेस को इन्होंने दे इस मस्कारे ने दिया है। दिस इज़ माई फेवरेट मस्कारा, मोस्ट फेवरेट। उसके बाद मैंने ये काजल पेंसिल ली, जो कि दो साइडों पर है, ठीक है, इस तरह का इस तरह की कुछ दिखती है। इसके दोनों साइड पे इनकी पेंसिल होती है, एक साइड पे इसके ब्राउन शेड दी होती है जो जिससे आप आईब्रो को फिल कर सकते हैं, और दूसरी साइड पे ब्लैक पेंसिल दी होती है जो कि आंखों के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये ब्लैक वाली यूज़ करूँगी आँखों के अंदर लगाने के लिए काजल, एज आ काजल। इसकी निब देख लें आप, इस तरीके की इसकी क्रीम क्रीमी सी निब होती है। तो मैं थोड़ी सी इसको बंद कर लूँ ताकि टूट ना जाए, ठीक है। तो ये मैंने अपनी आंखों के अंदर काजल इसका अप्लाई कर लिया। ये देखिए कितनी मज़े की लुक आ रही है सिंगल बार अप्लाई करने से ही। आंखें काजल लगाने से ब्लैक कलर का आंखें बड़ी बड़ी नज़र आती हैं, मेरी तो बड़ी बड़ी नज़र आती है, पता नहीं अब मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, शायद छोटी नज़र आती है, लेकिन मुझे तो बड़ी बड़ी दिखती हैं। ये देखें जी कितनी मज़े की लुक दी है इसने एक ही बार की एप्लीकेशन से। ये दोनों आँखों में देखें, इधर वाली आँख का मेकअप फुल कंप्लीट नज़र आना शुरू हो गया। तो सेम इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आँख में भी लगा लेती हूँ। इधर वाली साइड को भी मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेती हूँ ताकि दोनों एक जैसी हो जाए। ये
ये देखिए जी कितनी मज़े की लुक आई है दोनों आईज़ में ब्लैक काजल अप्लाई करने के बाद। मेकअप कंप्लीट लगना शुरू हो जाता है ब्लैक काजल लगाने के बाद। उसके बाद मैंने ये हाइलाइटर ब्रश लिया इस तरीके का, ठीक है, और फिर वही सेम हाइलाइटर जो मैंने आपको पहले दिखाया था ये वाला, इसकी मैं लाइट वाली शेड को अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। ये देखें इतना इसका प्रोडक्ट पूरे फेस के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये हल्का सा दोनों साइड पे फोरहेड पे अप्लाई किया, अपने चिक्स पे अप्लाई किया और हल्का सा नोज़ पे अप्लाई करने के बाद मेकअप डन। देखिए कितनी अच्छी इसने शाइन दी है फेस के ऊपर जी। तो ये था आज का आईज मेकअप। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से सीखने को मिल गया होगा, आपको इस पूरे ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ की हैं। ये मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, ये था आज का आईज मेकअप। आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत हो, जिसको मेकअप नहीं करना आता वो भी ये वीडियो देख के आसानी से मेकअप कर ले। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।